सभी जानते हैं कि शरीर के कोशों का निर्माण अन्न से, भोजन से होता है। एक और कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न का स्थूल भाग शरीर के नए कोश बनाता है तथा अन्न के सूक्ष्म संस्कार के अनुसार मन विकसित होता रहता है। जब बालक को अन्न देना प्रारंभ करते हैं तो अन्न की सार्थकता के सूत्रों पर ध्यान दिलाया जाता है। केवल स्वाद और बड़कपन का बोध कराने के लिए अन्न देना पर्याप्त नहीं, अन्न ऐसा देना चाहिए जिससे काया स्वस्थ और मन स्वच्छ बने। इसी उद्देश्य से अन्न प्राशन संस्कार कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने साथ स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने सात्विक स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रखने वाला सात्विक भोजन हो। संयम व संतुलन सिखाए जीना मात्र प्रयोजन हो। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रखने वाला सात्विक भोजन हो। संयम व संतुलन सिखाए जीना मात्र प्रयोजन हो। तरह तरह के व्यंजन हम चटकारे लेकर खाते दिखते हम, लेकिन वे ही हमको खा जाते हैं। तरह तरह के व्यंजन हम चटकारे लेकर खाते हैं। खाते दिखते हम, लेकिन वे ही हमको खा जाते हैं। अनुप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने साथ स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे यूट्यूब चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।